ये पूरा प्रोपेगंडा फैलाया गया था। एक गलत सूचना लड़की द्वारा खुद ही अपने माता पिता को, अपने घर वालों को दी गई थी, बिल्कुल उनको भ्रमित करने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। पटना में झूठी अपहरण की अफवाह फैलाकर पंजाब जाकर शादी रचाने वाली महिला का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर बीते दिनों बात करें हम तो मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से एक महिला गायब हुई थी। उसका नाम निकिता श्रीवास्तव है, जो कि अपने अपहरण की एक फेक ऑडियो कॉल बिहार के पटना पुलिस को भेजती है, जिसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये पूरी तरह से वायरल हुआ था, जिसके बाद पटना पुलिस की नींद उड़ी थी और इस पूरे मामले की तहकीकात की गई। बात करें हम तो कहीं ना कहीं निकिता श्रीवास्तव अपने प्रेमी गुरु प्रताप के साथ पटना से भागी थी, जो कि पंजाब में जाकर शादी रचाती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर न्यायालय द्वारा एक बिहार पुलिस को एक समन भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उस महिला को जान का खतरा बताया जा रहा है, जिसमें पटना पुलिस ने पूरे इस मामले का खुलासा करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पटना के सदर ASP संदीप सिंह, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। मामला एक मेहंदीगंज थाने से रिलेटेड है। इसमें एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसे मीडिया के द्वारा प्ले किया गया था कि 31/7/2023 को मेहंदीगंज थाना में रहने वाली एक लड़की, जिनका नाम निकिता श्रीवास्तव है, उसके घर वालों के द्वारा एक ऑडियो क्लिप थी, जिसमें वो लड़की रो के कह रही थी कि उसकी किडनैपिंग हो गई है। फिर उसके बाद जो है काफ़ी मीडिया में भी आया था कि लड़की को किडनैप कर लिया गया है और बहुत सहमी हुई है। तो इस चीज़ को चुनौती लेते हुए पुलिस के द्वारा जो है डे वन से ही इस पर काम किया जा रहा था। इसमें स्टार्टिंग, क्योंकि ये 31 की घटना है, 31 जुलाई, तो इमीडिएटली अगले दिन ही हमको जो है इसमें क्लूज आने शुरू हो गए थे। 1 अगस्त को जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लू आए थे, उसी को डेवलप करते करते हम लोग की टीम जो है, क्योंकि ये इसमें पूरा मामला था, ये बिहार के बाहर का भी इसमें पार्ट है, तो पूरी टीम जो है इसमें लग गई थी। जो पूरा प्रकरण है इसमें ये था कि ये पूरा मामला, जो ऑडियो क्लिप भी था और जो बात आई थी कि किडनैपिंग हो रही, ये पूरा फॉल्स है, ये पूरा प्रोपेगंडा फैलाया गया था। एक गलत सूचना लड़की द्वारा खुद ही अपने माता पिता को, अपने घर वालों को दी गई थी, बिल्कुल उनको भ्रमित करने के लिए। जो पूरा मामला था कि ये जो लड़की है, जिनका नाम निकिता श्रीवास्तव है, ये अपने घर से निकली ये कह के कि ये खाजेकला जाएंगी, ओरिएंटल कॉलेज में इनका कोई एडमिशन के चक्कर में, वहाँ से ये इनका एक जानने वाला, जो इंस्टाग्राम पे इनका जानने वाला बना था, उसका नाम गुरु प्रताप है, वो पंजाब का रहने वाला है, ज़िला संगरूर का, तो उससे ये इंस्टाग्राम पे चैटिंग इनकी हो रही थी। वही इंस्टाग्राम चैटिंग के दौरान ही इनका जो है ये आपस में बातचीत हुआ हो, जिसके क्रम में ये मेहंदीगंज थाना से 31 को निकली और 2 तारीख को, लगभग 2 अगस्त को ये पंजाब में थी। संगरूर में ये लोग गए, फिर लुधियाना के बाद चंडीगढ़ में जाके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने एक पिटीशन दायर की, जिसमें इन्होंने स्वयं एक पिटीशन डाली हुई है कि इनको इनके घर वालों के द्वारा जान का खतरा है। उस पिटीशन पे कार्रवाई करते हुए जो वहाँ के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें जो है पिटिशनर्स को सुरक्षा, पुलिस सुरक्षा पंजाब पुलिस के द्वारा, और एक आदेश दिया गया कि जो पिटिशनर हैं वो दोनों, एक गुरु प्रताप और निकिता श्रीवास्तव के द्वारा जो पिटिशन दी गई थी कि वो जो कंसर्न्ड उनका लोकल पुलिस स्टेशन है, उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे। तो एक तरह से जो है उन्होंने जो पार्टी है अपने घर वालों को भी इसमें पार्टी बनाया था कि उनको उनसे जान का खतरा है। तो ये देखते हुए पूरा जब मामला संज्ञान में आया, तो ये जिस यहाँ जब बिहार से गई, तो वहाँ संगरूर में या लुधियाना में एक होटल है, MK बांसल होटल, वहाँ पे ये पहुँची। वहाँ पहुँच के जो हमारी टीम इनको फॉलो कर रही थी, उसमें वीडियो फुटेज भी हैं कि जब ये रिसेप्शन पे गई हैं और बिल्कुल फ्री एक पर्सन की तरह ये और इनके साथ जो गुरु प्रताप है वो घूम रहे हैं, और घर वालों को इन्होंने जो है एक भ्रामक वीडियो या ऑडियो जो भी भेजा हुआ है, और बिल्कुल एक फॉल्स प्रोपेगंडा फैलाया गया।
तो ये पूरे मामले से जब हाईकोर्ट का भी आदेश था उसके बाद जो है हमारी जो टीम गई हुई थी हाईकोर्ट के आदेश का पालना करते हुए जो लोकल कोर्ट है वहाँ का, वहाँ पे जाके इन्होंने 164 का बयान उस लड़की का करवाया जिसमें उन्होंने स्वयं जाने की बात कबूली है और वहाँ के जो सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने इन्होंने स्वयं ये भी कहा है कि ये लिव इन रिलेशन में रहने का इनके द्वारा फैसला किया गया है और अकॉर्डिंगली जो कंसर्न कोर्ट्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 18 वर्ष के ऊपर हैं तो इनको सुपुर्द उन्हीं के जो जानने वाले हैं गुरु प्रताप और उसकी फैमिली उन्हीं को सुपुर्द किया गया है ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा। तो इस प्रकार से एक पूरा एक कूटरचित जो इनका प्रोपेगंडा था या जो भी एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी उसका उद्भेदन पुलिस द्वारा किया गया है और पूरा इसमें प्रोसेस जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको भी कंप्लीट किया गया है। तो ये एक मामला था। गुरु प्रताप पंजाब के ही रहने वाले हैं? गुरु प्रताप एक लड़का है पंजाब का रहने वाला है संगरूर का। यही हम बता रहे हैं कि एक प्रोपेगंडा फैलाने के लिए एक तरफ जो है ऑडियो कह रहे हैं कि जो है किडनैप हो गए हैं, दूसरी तरफ फ्रीली घूम रहे हैं और चंडीगढ़ में जाके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की जा रही है उनके द्वारा जिसमें उनके द्वारा जान का खतरा का उल्लेख करते हुए कहा गया है परिजन से उनके परिजन यहाँ बिहार वाले जो हैं माता पिता और। लेकिन सर पुलिस को परिवार वाले को घुमड़ा करना चाहिए तो इस पे भी कार्रवाई होगी जिस प्रकार से जो लीगल प्रावधान है हम सारे फॉलो कर रहे हैं आगे भी करेंगे जो लीगल प्रावधान है क्योंकि स्टेट की मशीनरी मान लीजिए पूरा जो लोकल पुलिस मशीनरी है एक संघीय अपराध मान के किसी चीज़ को फॉलो कर रही है तो इट इज़ मिस यूज ऑफ जो भी ऑफिशियल सेटअप है एक तरह से। इंस्टाग्राम के जरिए ही उससे संपर्क में आया इंस्टाग्राम पे दोनों की चैटिंग होती थी इंस्टाग्राम पे ही ये लोग जो है अपना सो कॉल्ड रिलेशनशिप जो है फ्लरिश किए।